हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पोर्ट्स देखो में। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे मशहूर नाम हैं जिन्हें चाह कभी कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही नामों में एक नाम शुमार है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का, जो बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कलकत्ता और दादा के नाम से मशहूर हुआ करते हैं। दादा नाम से ये समझना मुश्किल नहीं है कि सौरव गांगुली ने असल जिंदगी में भी काफी दादागिरी की होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सौरव गांगुली के दादागिरी के 10 रोचक किस्से से रूबरू करवाने वाले हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम सौरव गांगुली के ऐसे किस्से बताएंगे जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। साथ ही अगर आप सौरव गांगुली के फैन हैं और आप उनको काफी ज्यादा मानते हैं, तो इस वीडियो में आखिरी में आपको एक और वीडियो को हम रिकमेंड करेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं दादागिरी नंबर 1 पर, करियर का पहला मैच और विवाद। दोस्तों, दादा सौरव गांगुली ने 1993 में अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर डेब्यू कर शुरू किया था। इस मैच में उनके साथ एक विवाद भी जुड़ गया। मैदान पर मौजूद अपने साथियों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स को ले जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें 4 साल तक के लिए टीम से बाहर भी कर दिया गया था। दोस्तों, दादा ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि उस समय हमारा मैनेजर अच्छा नहीं था। और उन्होंने यह भी कहा कि वैसा मैनेजर होना हमारी टीम के लिए काफी शर्म की बात थी। यह दादा का क्रिकेट करियर का पहला विवाद था। दादागिरी नंबर 2, साल 2000 में सौरव गांगुली ने काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू किया। और दोस्तों, इसमें भी उनका व्यवहार किसी के साथ कोई नजरअंदाज नहीं करता था। दोस्तों, उस समय उनका व्यवहार अपने साथियों के साथ एक प्रिंस की तरह था। दादा अन्य क्रिकेटरों पर हुक्म चलाते थे। गांगुली ने तो एक साथी को अपने बैग उठाने और स्वेटर ले जाने का भी ऑर्डर दे दिया था, और कुछ इस तरह उनका व्यवहार रहा करता था। अब चलिए बात करते हैं दादागिरी नंबर 3 पर, मैदान पर अंपायर से भिड़ जाते थे सौरव गांगुली। दोस्तों, सौरव गांगुली क्रिकेट को लेकर काफी सीरियस खिलाड़ी थे। गांगुली की एक आदत सभी को काफी जुदा थी, उन्हें मैदान पर काफी अधिक गुस्सा आता था। ऐसे हजारों मौके देखे गए हैं जब मैच के बीच गांगुली, मतलब कि दादा, ने आग बबूला होकर अपने आप को दिखाया है। लेकिन इन सबों के अलावा उनकी सबसे अलग दादागिरी तो यह थी कि वो अक्सर मैदान पर अंपायरों से भिड़ जाया करते थे। दोस्तों, गांगुली के इसी रवैये के चलते गांगुली को कई दफा पाबंदियों का भी सामना करना पड़ता था। दोस्तों, बात है साल 1998 में कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, जिसके बाद उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें एक वनडे मैच के लिए बैन कर दिया गया। इसी तरह साल 2000 में भी गांगुली जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए मैच में अंपायर से भिड़ गए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। उनको अंपायर पर धमकाने की कोशिश का इल्जाम भी लगा और पाबंदी भी लगी। ऐसे ही दोस्तों, साल 2001 में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन्हें अंपायर ने LBW आउट दे दिया, तो गांगुली इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अंपायर को बल्ला ही दिखा दिया था। फिर एक बार और उन्हें एक वनडे मैच के लिए पाबंदी लगा दी गई और गांगुली पर बैन लगता रहा, और लेकिन उन्होंने अपनी दादागिरी बंद नहीं करी। दादागिरी नंबर 4, लॉर्ड्स के मैदान में खुल्लम खुल्ला लहराया टी शर्ट। दोस्तों, यह बात है साल 2002 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर नेटवर्क सीरीज का फाइनल मैच खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 325 रन बनाकर भारत के सामने 326 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था, लेकिन गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी, खासकर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, ने वो करके दिखाया कि दादा ने अपनी दादागिरी का एक और प्रदर्शन कर दिया। जैसे ही भारत ने मैच जीता, लॉर्ड्स के मैदान की बालकनी में खड़े होकर कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के मैदान में ही अपना टी शर्ट निकाल कर लहराना शुरू कर दिया। इसे लेकर उन्हें काफी विवादों में भी सामना करना पड़ा, लेकिन दोस्तों, उनके इसी रवैये के चलते आज भी उन्हें काफी ज्यादा प्रेम मिलता है। अब चलिए बात करते हैं दादागिरी नंबर 5 के बारे में, पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को कहा टाइम नोट कर ले। वैसे तो टीवी पर हर किसी को दोस्तों सबसे फेवरेट मैच अगर कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान का होता है, लेकिन दादा की दादागिरी पाकिस्तान के खिलाफ भी मैचों में और भी बढ़ जाया करती थी। इसी तरह एक वनडे मैच के दौरान मोहम्मद यूसुफ नाम के खिलाड़ी को खुलेआम उन्होंने धमकी दे दी थी। दोस्तों, आपको हम वजह बताते हैं, आप वीडियो में जैसा देख पा रहे होंगे कि सौरव गांगुली कहते हुए दिख रहे हैं, नहीं नहीं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तू रेस्ट ले ले, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू जानबूझकर यह कर रहा है, तू टाइम बस नोट कर ले। दरअसल इसके पीछे की वजह दोस्तों यह थी कि 50 ओवर के मैच में बॉलिंग करने के लिए एक समय निर्धारित होता है। दोस्तों इसी बीच यूसुफ ने पहले एक बार ड्रिंक ब्रेक लिया और फिर उनकी कोहनी पर चोट लग गई और मैदान पर समय बीतता जा रहा था, इसलिए गांगुली बोलते हुए दिखे कि टू टाइम नोट कर ले। दोस्तों अब उनकी दादागिरी नंबर 6 पर आते हैं। टॉस के वक्त देर से ग्राउंड में आने के लिए मशहूर हुआ करते थे सौरव गांगुली। दादा की दादागिरी सिर्फ मैचों तक सीमित नहीं थी दोस्तों, मैच से पहले होने वाले टॉस के लिए भी सौरव गांगुली अपनी दादागिरी के लिए काफी मशहूर हुआ करते हैं। वो अक्सर टॉस के लिए भी देरी से आया करते थे, जिसे लेकर एक बार गांगुली को काफी ताना तनी का भी सामना करना पड़ा था। गांगुली उन कप्तानों में शुमार हैं जो मैदान के अंदर से और बाहर दोनों ही जगह खुलकर बोलने के लिए फेमस हुआ करते थे। टॉस में देरी से आने को लेकर गांगुली के ऊपर स्टीव वॉ ने यह आरोप लगाया था कि गांगुली जानबूझकर मैदान में टॉस के लिए देरी से आया करते हैं। एक बार तो दोस्तों आईपीएल में सौरव गांगुली राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच के ही दौरान टॉस के लिए काफी लेट आए, जिसे लेकर शेन वॉन ने भी काफी आपत्ति जताई थी। अब चलिए बात करते हैं दादागिरी नंबर 7 की। मैदान पर ही रसेल अर्नोल्ड को घेर कर समझा दिया। दोस्तों गांगुली यानी कि दादा की दादागिरी के चर्चे काफी मशहूर हुआ करते थे। इनमें से एक चर्चा श्रीलंकाई खिलाड़ी के खिलाफ भी पिच पर देखा गया है। श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी रसेल अर्नोल्ड पिच पर दौड़ रहे थे कि गांगुली ने उन्हें आकर समझाया। और दोस्तों इस दौरान रसेल ने दादा को हेकड़ी दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने बार बार एक ही बात समझाई और दोस्तों उसके बाद दादा ज्यादा न भड़क जाए, इसलिए दोनों अंपायरों ने गांगुली को समझाने की कोशिश भी की। दोस्तों दादा को समझाते हुए अंपायरों ने रोका, लेकिन जब तक पिच पर खड़े रसेल चुप नहीं हुए तब तक दादा ने बार बार जाकर उसे एक ही बात समझानी शुरू कर दी और धर कर समझाया। अब चलिए बात करते हैं दादागिरी नंबर 8 की, गांगुली और हेड कोच रवि शास्त्री के बीच की तकरार। दोस्तों यह बात है साल 2016 की, जब बीसीसीआई का कोच का सिलेक्शन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसके सदस्य सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण भी थे। इसी कमेटी में उस वक्त अनिल कुंबले को इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच चुना गया था। इस पद के लिए रवि शास्त्री ने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन सबसे खास बात दोस्तों यह रही कि जब रवि शास्त्री ने इंटरव्यू दिया तो वो बैंकॉक में थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू दिया था, और इस इंटरव्यू में सौरव गांगुली भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में रवि शास्त्री ने इससे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि गांगुली ने उनका अपमान किया है। और दोस्तों ऐसे में दादा ने भी अपनी दादागिरी दिखाते हुए करारा जवाब दिया। गांगुली ने दोस्तों जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी छुट्टियां मना रहे थे, वो भी तो इंटरव्यू में मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रवि शास्त्री को इंटरव्यू देना ही था तो उन्हें इंटरव्यू के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह वहां पर मौजूद होना चाहिए था, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इंटरव्यू देना चाहिए था। दोस्तों आपको बता दें बाद में कुंबले ने यह पद छोड़ दिया, जिसके बाद अब हेड कोच रवि शास्त्री हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर सौरव गांगुली मौजूद हैं। अब बात करते हैं दादागिरी नंबर 6 की, भज्जी को टीम में न रखने के लिए सेलेक्टरों से भिड़ गए थे दादा। दोस्तों बात है साल 2001 की, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम का चयन किया जा रहा था। उस वक्त सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे, उन्होंने चयनकर्ताओं से हरभजन सिंह को टीम में रखने के लिए अपील की। हालांकि सेलेक्टर उस वक्त भज्जी को उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन दादा अपनी बात पर अड़े रहे और दोस्तों उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि जब तक टीम में हरभजन नहीं लाया जाएगा मैं इस कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा। आखिरकार उन्होंने सभी को अपनी बात मनाने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन दादा की इसी दादागिरी के अंजाम क्या हुआ वो काफी गजब किस्सा है, आइए सुनते हैं। दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी भी हो सकती है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच का भी खिताब हरभजन सिंह ने पाया, और वो ऐसे कि भज्जी ने टेस्ट मैच के पहले इनिंग में ही हैट्रिक लेकर 7 विकेट चटकाए, जबकि दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 6 विकेट लिए और कुल 13 विकेट से अपने आप को
दिखा दिया और साबित कर दिया। आखिरकार दादा ने अपनी इसी दादागिरी के चलते चयनकर्ताओं को ये समझा दिया कि दादागिरी का लोहा मनवाना उनको काफी अच्छे तरीके से आता है। अब चलिए बात करते हैं दादागिरी नंबर 10 की। जब गांगुली ने पहला मैच खेला तब ब्रॉड डायपर पहनते थे। दोस्तों बात है साल 2007 के कैनिंगटन ओवल में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 316 रन बनाए और इंडिया को 317 रनों का लक्ष्य रख दिया। सचिन और गांगुली की ऐतिहासिक ओपनिंग जोड़ी तेजी से रन बना रही थी। लग रहा था कि जीतने के उद्देश्य से ही उतरे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड इनिंग्स का नौवा ओवर फेंक रहे थे। आखिरी गेंद पर सौरव गांगुली आगे बढ़कर शॉट मारना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों उनके बल्ले पर गेंद ठीक से बैठ नहीं पाई और दोस्तों एक भी रन नहीं मिला। स्टुअर्ट ब्रॉड गांगुली की तरफ चलते हुए आए और कुछ भला बुरा उन्हें कह दिया, तो बस इतना ही काफी था कि गांगुली भड़क जाए। उन्होंने दबा कर स्टुअर्ट ब्रॉड को खरी खोटी सुनाई, न जाने क्या क्या कहा होगा। कमेंट्री पर बैठे हर्षा भोगले और सुनील गावस्कर भी मजे लेने लग गए थे। सुनील गावस्कर ने यह कहा कि सौरव क्या कर रहे हैं, ये सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो स्टुअर्ट को शायद ये बता रहे हैं कि जब मैंने पहला मैच खेला था तब तुम नैपी पहन कर घुमा करते थे। चूंकि ओवर खत्म हो गया इसलिए गांगुली को 6 गेंद का इंतजार करना पड़ा। जब स्टुअर्ट ब्रॉड अपने अगले ओवर फेंकने आए तो ओवर की दूसरी ही गेंद पर दादा क्रीज पर थे। एक ओवर पिच गेंद आई और दादा ने अपने कंधे खोल दिए और दोस्तों इस बार तो उन्हें आगे भी नहीं बढ़ना पड़ा और उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के ही ऊपर से एक हवाई बाउंड्री शॉट लगा दिया। तो दोस्तों ये रहे सौरव गांगुली के 10 सबसे बेहतरीन किस्से। अगर दोस्तों ये किस्से आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही इस वीडियो के आखिरी में हम आपको रिकमेंड करते हैं सौरव गांगुली की लाइफ स्टाइल वीडियोस को भी देखने के लिए। इस वीडियो के आखिरी में आप उनकी लाइफ स्टाइल वीडियो भी देखिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी क्रिकेटर्स की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। साथ ही शेयर कर दीजिए सभी दादा के फैंस के साथ।